नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज बेला मंडल केंद्र के शिवाजी चौक में भाजपा नेताओं ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया। इस संदर्भ में भाजपा मंडल अध्यक्ष दत्ता निकम ने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य के रुझान आ रहे हैं, भाजपा का सीएम बैठने वाला है। कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा निर्णय लिया है कि मोदी हित सर्वश्रेष्ठ हित का उदाहरण दिया है। 2014 के बाद मोदी नेतृत्व में भारत देश की परिस्थिति कुछ और थी और अब कुछ और ही है। और कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मोदी का दामन थामे थे और उस भरोसे ने इसको उच्च स्तर पर पहुंचाया और सबसे सटीक और ठीक योजना माय माउली को लाडली बहना योजना ने भी साथ दिया। फिर उसके बाद बेला माजी सरपंच इंद्रशेखर ने महाराष्ट्र भाजपा नेता और जनता को बधाई दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना के सीएम महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि तेलंगाना में योजना सिर्फ जबानी तौर पर लागू हुई है, यहाँ पर ही अंधेरा छाया हुआ है और दूसरे राज्य में हाथ पे जन्नत दिखाए जा रहे थे। इस कार्यक्रम में गणेश बुनगिनवार, राकेश, संदीप, शिवकुमार, प्रभाकर, नवीन, महेश, रामू भरकाड़े, नारायण, शंकर और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। हरीश, जय बीजेपी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी नायकत्व अधीन झाले, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व अधीन झाले, देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराष्ट्र के रुझान आ रहे हैं, इस रुझान में महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा निर्णय दिया है कि जो मोदी जी ने 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की परिस्थिति मोदी जी ने जो चेंज की, आज जो बॉर्डर पे जो सैनिक है, जो महाराष्ट्र में 2014 के पहले पासपोर्ट होता था, 26/11 का हमला मुंबई जहां बोले वहां बम फट रहे थे और मोदी जी के राज में महाराष्ट्र और पूरा भारत देश सुरक्षित है, सैनिक सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, प्रथम राष्ट्र मोदी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के बारे में जो मोदी जी 10 साल काम किए, इसका फल आज जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया, इसके लिए महाराष्ट्र के मतदाताओं को मैं बेला मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बात देता हूँ। और जो आज जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट आया, इसके हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी और इस सहयोग पार्टी को मिलने के जो जैसा योगी जी ने जो नारा लगाया था, बटोगे तो कटोगे, वो नारा सक्सेस रहा और आज महाराष्ट्र के हिंदूवादी लोग खुलेआम चैलेंज करके ये बात उनके दिमाग में पहुंची और ऐसा बड़ा रिजल्ट मिला, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जो सहयोग दिए वोटर मतदान बंधु भंगी ने, उनको मैं बेला से बहुत बहुत धन्यवाद बात देता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा निकाल अपने समोर आलेला आहे। या निकाल जसं आपल्याला माहित आहे, एकनाथ शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांनी नरेंद्र मोदीजी यांच्या अध्यक्षतेखाली यांच्या आदेशानुसार जे महाराष्ट्रामध्ये जो विकास केला तो खूप मोठ्या प्रमाणात विकास, यांनी एक नारा लावला की लाडकी बहीण,
लाड़की बहन ही इतकी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आज महाराष्ट्राच्या स्त्रिया का 2,30,00,000 रुपये लाख स्त्रियांना जो आज त्यांनी सगळ्याची भेट देऊन आज लाड़की बहन ही योजना आहे खरोखरच महाराष्ट्र सरकारला लाड़क्या बहिणींनी समोर दिलं म्हणून मी तुमच्या समोर सांगतो। आणि आज जे बीजेपीचे जे वक्ते जसं आपले मोदीजी आणि आपले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजी यांनी येऊन जे नारे दिले की बटेंगे तो कटेंगे आणि मोदीजीने जो नारा दिला एक है तो सेफ है ह्या नारा सगळ्या महाराष्ट्राच्या सगळ्या जनतेला लक्षात येऊन आणि आजपर्यंत जे सरकार होतं एकनाथ शिंदे सरकार फडणवीस सरकार मोदी सरकार हे सगळं असल्याच्यानं ह्या विकासाची सगळं आठवण करून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आज महाराष्ट्र सरकार आज बीजेपी सरकार महायुती मोठा महाराष्ट्रलोने ఏదైతే ఎలక్షన్ ఉండలో ఆ ఎలక్షన్ లో మహారాష్ట్రలో ఉన్నటి ప్రజలు మరి ఇంత మంచి తీర్పుని ఇచ్చిండ్రు మరి వన్ సైడ్ గా బీజేపీకి ఓట్లేసి ఈ రోజు మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి మన ఫర్నవీస్ గాని ఉండే మన మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ ఆ ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో మరి గెలుపొందుతున్నది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో నుండి సీఎం లాంటి వారు కూడా మహారాష్ట్రకు పోయి ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఇక్కడనే తెలంగాణలోనే కాంగ్రెస్ కు ఏమీ ఇచ్చింది లేదు వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో పోయి ప్రచారం చేసిరు కానీ అక్కడ కూడా ఏలాంటి ప్రజలు నమ్మలేదు అక్కడ బీజేపీ పార్టీ అభివృద్ధి చేసింది కాబట్టి వాళ్ళు అభివృద్ధి చూసి ఈ రోజు బీజేపీకి ఓటు వేయడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ పార్టీ పుంజుకుంటుంది రాబోయే ఎలక్షన్ లో కూడా బీజేపీ పార్టీ నాయకులు గెలుపొంది మన తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ పార్టీ చాలా వరకు పుంజుకుంటుందని తెలియజేస్తూ మహారాష్ట్రలో ఎవరైతే సీఎం అయితారో వారికి మండల బీజేపీ నాయకుల తరఫు నుండి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను।